मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परिवार की सूरत या रब, इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। है ये 1938 में प्राथमिक विद्यालय के रूप में आरंभ हुआ। 1953 में यह विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में, उसके बाद सन 1977 में माध्यमिक और 1998 में उच्च माध्यमिक विद्यालय बना। यह विद्यालय रूपी पौधा, शिक्षा प्रेमियों, सजग ग्रामीण, सतत प्रयासों से और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सहयोग से इस विद्यालय में क्लास संकाय का आरंभ हुआ। इस विद्यालय में जो आज एक विशाल जो वट वृक्ष की तरह बना हुआ है, आज 700 के लगभग छात्रों और छात्राएं अध्ययनरत हैं। यहाँ पर पहली से लेकर के 12वीं की कक्षाओं में छात्राएं, शिक्षक, मंत्रालय कार्मिक, इन सब ने जो मिलकर के इसे एक परिवार की भांति बनाया है, उन सब का विचार जो है और उन सभी अभिभावक जो इस विद्यालय में अपना योगदान देते हैं और उनको एक भविष्य का निर्माता बनाने के लिए एक सपना संजोए हुए हैं, वो एक सरकार की बात है। हम यहाँ पर एक सुनहरा अवसर बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने इसी गुरुत्वाकर्षण के गंभीर निर्वहन में साधनरत हम शिल्पकारों को विभागीय मार्गदर्शन, भामाशाहों के सहयोग और प्रबुद्ध ग्रामीणों के समर्थन की संजीवनी इनकी हमेशा जो है इस विद्यालय को पोषित करती रहेगी। हमारे कुछ प्रयास हैं जो इस सत्र के दौरान जो 2018-19 का जो सत्र था उसका परीक्षा परिणाम कक्षा 10वीं का 92.35% रहा, कक्षा 10वीं का परिणाम 92.35 था और 12वीं का परिणाम जो था 88.76 था। इस विद्यालय की 16 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार मिला। कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी छात्राएं, 44 के करीब छात्राएं जो हैं साइकिल वितरण योजना से लाभान्वित हुई। योग्य विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ दिलवाया गया। विद्यालय में अल्पसंख्यक, SC, ST, OBC सभी वर्गों की छात्र भर्तियाँ बच्चों को प्रदान की जाती है और ये हमारा सब प्रयास रहेगा इस नेक्स्ट जो आने वाले स्तर में कि बच्चों का 100% जो है छात्रवृत्ति में उनका नामांकन हो जाए। विद्यालय में समय समय पर बहुत से जो नियम है, कानून है, प्रावधान है, उनकी शिक्षा दी जाती है, जैसे सड़क सुरक्षा है या नशे से मुक्ति के संबंधित जानकारी दी जाती है। विद्यालय में बच्चों को गाइड करने के लिए करियर गाइडेंस जो राजीव गांधी पोर्टल है उस पर समय समय पर सभी छात्रों और छात्राओं को जानकारी दी जाती है। आज विद्यालय के हमारे सभी छात्र 100% जो है छात्र जो है करियर गाइडेंस पोर्टल राजीव गांधी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। विद्यालयों में रंगों के महत्व को जोड़ने के लिए, बच्चों को ऊर्जावान बनाने के लिए एवं बच्चों में स्वस्थ प्रतिभा जो है एक प्रतिभा और प्रतिस्पर्धा डेवलप करने के लिए पूरे स्कूल के बच्चों को 5 समूह में बांटा गया और 5 जो समूह हैं एक सदन की भांति पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु की जो है विभाजन किया गया और उसी के जो है अनुसार जो है विद्यार्थी बुधवार और शनिवार को यूनिफॉर्म में आते हैं और प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है। स्काउट गाइड की भांति, जैसे विद्यालय में स्काउट गाइड कक्षा 6 से ऊपर के जो बालिकाएं उनमें संचालित है, लेकिन जो प्राइमरी है उस सेक्शन में भी 1 से 5 के छात्रों और छात्राओं के लिए भी स्काउट गाइड की तरह ही कप और बुलबुल जो है नेक्स्ट सत्र में ये गतिविधियां आरंभ की जा रही है। समय समय पर विभिन्न दिवस, उत्सव और बाल सभाओं का भारी आयोजन किया जाता है। पूर्व जो छात्र हैं, भामाशाह है उन या हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं उनका यथा समय मान सम्मान किया जाता है। कक्षा 6 से 12 की छात्राएं, उनको विद्यालय में फ्री जो है सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाता है। विद्यालय प्रांगण के सौंदर्यकरण के लिए हमारा जो प्राइमरी का सेक्शन है सड़कें जो क्रॉस करके है वहाँ पर पेड़ पौधे और पार्क का निर्माण और झूले जो है वो लगाए गए। इसके साथ जो हमारे विद्यालय स्टाफ है उनका बड़ा ही सहयोग है, उस विद्यालय को विकसित करने में अपना उन्होंने अनुकरणीय योगदान दिया है। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता हेतु जागरूकता रैलियां निकाली जाती है। विद्यालय में अभी कुछ समय पूर्व भामाशाह अली बख्श जी ने हमारा जो हॉल है उस हॉल का जीर्णोद्धार करवा करके हॉल की छत का निर्माण करवाया। बच्चों ने 1 लाख रुपए की हाउस ड्रेस वितरित करके अपना अतुल्य योगदान दिया। पूरे विद्यालय की बिजली फिटिंग दोबारा से भामाशाह के सहयोग से करवाई गई। प्राथमिक अनुभाग में जो झूले लगे हैं भामाशाह प्लस विद्यालय स्टाफ की ओर से अपना योगदान दिया गया। विद्यालय में एलईडी लाइट, पार्क का निर्माण, साइकिल स्टैंड, खेलों के लिए मंच का निर्माण किया गया। इसके साथ मुझे आज बड़ा फख्र हो रहा है कि हमारे विद्यालय के जो स्टाफ मेंबर हैं उन्होंने विद्यालय को 5 पंखे और 1 प्रिंटर और प्लस उस जो प्राइमरी सेक्शन है वहाँ पर झूले, पेड़ पौधे और उस पार्क को हरा भरा बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ हमारी जो आगे आने वाले स्तर में हमारे सपने हैं या हमारी जो मांगे हैं उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। कृषि एवं वाणिज्य संकाय का इस विद्यालय में संचालित करवाना, कला वर्ग में भूगोल के अतिरिक्त जो है जो विषय को संचालित करवाना, तृतीय भाषा उर्दू जो इस विद्यालय में संचालित नहीं है उसको लागू करवाना, जो विद्यालय में खाली पद है संख्या के अनुरूप अभी विद्यालय में काफी पद रिक्त है उसके अनुसार भरवाना, पीटीआई यूडीसी जैसे महत्वपूर्ण पद है या सफाई कर्मचारी या प्रयोगशाला सहायक है इन पदों को विभागीय निर्देशानुसार समय पर भरवाने की कोशिश की जाएगी। विद्यालय में जो साइंस जो है संचालय है साइंस जो संकाय में जो संचालित जो विज्ञान प्रयोगशालाएं वो नहीं है लेकिन जो प्रयोगशालाएं हैं उनके निर्माण के लिए भामाशाहों से अनुरोध है कि जो प्रयोगशालाएं वो निर्माण में सहयोग दे सकते हैं वो प्रयोगशालाओं का जो है जो विद्यालय में है हम उस पर निर्माण करवाएं। हमारे विद्यालय में कक्षा जो है कक्षा कम पढ़ते हैं बच्चों के अनुरूप तो कम से कम 8 कक्षा कक्ष की हमें आवश्यकता है। विद्यालय में जो बैठने के लिए बच्चों के लिए स्टूल मेज है उनकी कम से कम 150 स्टूल मेज की अभी आवश्यकता है। बच्चों में ज्यादा संख्या के होने के कारण दरी का प्रयोग किया जाता है या फर्नीचर कम होने के कारण तो दरियों की कम से कम 10 दरियों की हमें आवश्यकता है। एक विद्यालय में फोटोस्टेट मशीन जो बार बार कोई भी विभागीय कार्य होता है उस कार्य के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है उसकी बड़ी ही आवश्यकता है। छात्र छात्राओं के लिए वाचनालय लाइब्रेरी हमारे स्कूल में है बड़ी सुव्यवस्थित है लेकिन बच्चों के लिए या बच्चों के लिए जब फ्री पीरियड होता है उसमें रीडिंग करने के लिए अध्ययन करने के लिए एक वाचनालय की या कॉमन रूम की गर्ल्स के लिए आवश्यकता है। प्राइमरी सेक्शन का जो भाग है हमारा वहाँ पर उसकी दीवारें बहुत छोटी है दीवारें और उस दीवार और गेट का निर्माण कार्य दोबारा से करवाया जाए। ये सभी से अनुरोध है कि कोई उसमें अपना सहयोग कर सके। पोषाहार जब वितरण किया जाता है बच्चों को वहाँ पर कच्चा फर्श है तो उस फर्श को इंटरलॉक द्वारा या वहाँ पर शेड डाल करके बच्चों को जो है किसी भी समय दोपहर के समय जब भोजन की व्यवस्था की जाती है उस समय पर बच्चा अपना अच्छे से वहाँ पर भोजन कर सके। सबसे जो एक खास जो है विद्यालय में हमें प्राइमरी सेक्शन जो है उस पर की शिक्षा को ज्यादा सुदृढ़ करना है उस पर हमें फोकस करना है। जो परिणाम परीक्षा परिणाम आगे आने वाला है उसको हम 100% लाने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ गुणात्मक परीक्षा परिणाम देने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी जो है हमारी विद्यालय की भावी योजनाएं हैं जिसको हम पूरा करने के लिए हर प्रयास हमारे स्टाफ जो है और बाकी अन्य जो है ग्रामीण है उनके सहयोग से इन लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अंधकार को दूर कर जो प्रकाश फैला दे, अंधकार को दूर कर जो प्रकाश फैला दे, बुझी हुई आशा में विश्वास जो जगा दे। जब लगे नामुमकिन कोई भी चीज उसे मुमकिन बनाने की राह जो दिखा दे वो शिक्षा है। धन्यवाद। निवेदन करूंगा दानाचार्य डॉ निलम शर्मा के पात्र हैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत किए थे। हमारे बीन एसीपीओ प्रथम जो हैं उनको भी मानित करें। हमारे अतिथि गांव के सरपंच महोदय, गणमान्य नागरिक, पूर्व छात्र और गांव के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग, हमारी प्यारी बेटियां जो इधर बैठी हैं, गांव के स्कूल के और इस स्कूल के पीएम क्षेत्र के सारे विद्यार्थीगण, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत सारी बातें आपसे मैं कहना चाहता था। अभी सर ने कहा कि आपने भरपूर समय दिया, इस पक्ष में मैं नहीं था, भरपूर समय आपने ले लिया। ये कार्यक्रम इतना अच्छा था कि इसमें सभी तरह के, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी तरह की चीजें इसमें समाहित थी। जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए सारगर्भित थे, संदेश देने वाले थे, सामाजिक जागरूकता वाले थे, और मैं यूं कहूंगा कि ये सब कुछ इसके अंदर समाहित था। गांव के जो लोगों का जुड़ाव मैंने यहाँ देखा, वो जुड़ाव भी अभूतपूर्व था। इसके हम कहते हैं कि साहब आपने 500 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, 50 रुपए दी, क्राउड फंडिंग करी आपने ना। तो ये क्राउड फंडिंग इतनी लगभग 1.5 लाख से ऊपर की शायद मेरे सामने आई, हो सकता है 2 लाख के आसपास भी होगी हो। तो ये आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है। एक और चीज मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था कि ये कोई गांव, ये क्षेत्र मेरे लिए कोई नया नहीं है। मेरे बचपन यहाँ बीता हुआ है, 5 साल तक मैं यहाँ था। मेरे पिताजी स्कूल के, जब ये मिडिल स्कूल था तब हेडमास्टर थे, और मेरी माता जी यहाँ बालिका स्कूल है उसमें हेडमिस्ट्रेस थी। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक का जो समय था वो बहुत गोल्डन टाइम था। आज भी हम इसको याद करते हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ कि मन तो दूर अब मानगढ़ में है, लेकिन आत्मा आज भी हमारी अजीतपुरा के अंदर बसती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बेटियां शोभा है हमारे गांव की। ये बेटियां पता नहीं किस किस गांव में जाकर आपका नाम रोशन करेंगी, किस किस गांव में जाएंगी युवा पश्चात। तो हर जगह पूरे मुल्क में, हो सकता है मुल्क से बाहर, देश से बाहर भी अवसर मिले इनको जाने का। तो मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा का जो मंदिर है, ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो सभी मंदिर, गुरुद्वारे, हमारे धार्मिक स्थानों से भी ज्यादा पवित्र है। क्योंकि जिस गांव के अंदर शिक्षा जितनी अच्छी होगी, उस गांव की प्रोग्रेस उतनी ही अच्छी होगी। आप इस बात को गांठ बांध लें। और बहुत सारे हमारे राजनीतिक क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन ये स्कूल, ये शिक्षा का मंदिर जो है, ये गाँव में किसी भी तरह के राजनीति का केंद्र नहीं होना चाहिए। मुझे अवसर दिया, यहाँ मैं आया, आप लोगों के बीच में बात करी। मैडम डॉ निलम शर्मा बहुत अच्छी लीडर है। तो इतनी अच्छी लीडर जहाँ पर हो, उस स्कूल के अंदर विकास की कमी नहीं हो सकती। फिर साहब आप सहायक निदेशक हैं, आप ACDO हैं, आप बड़े पद पर हैं, प्रधानाचार्य हैं, या आप किसी पद पर हैं, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। एक मैं आप लोगों से थोड़ी सी 1 मिनट की बात और साझा करना चाहता हूँ कि जो प्रकाश की गति मानी जाती है, अगर वो स्पेस में ट्रेवल करे तो कहते हैं कि 1,86,000 किलोमीटर प्रति सेकंड उसकी गति। तो आप अनुमान लगाइए कि 1,86,000 किलोमीटर प्रकाश जो है वो गति तय करते, इस गति से वो बढ़ता आगे। 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, महीने में, वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो जो आकाश में आप देख रहे हैं, कुछ तारे जो आपको आंखों से देखते हैं, ये करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है, जिनका प्रकाश अभी तक पृथ्वी पर पहुंचा ही नहीं है। जब पहुंचेगा तब आपको दिखाई देंगे। जिनका पहुंचा ये भी लाखों प्रकाश वर्ष दूर हो सकते हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि जब इनको हम देख सकते हैं तो पृथ्वी पर इनके प्रकाश को आने में कितना वर्ष लगा होगा। लेकिन ये सारे के सारे तारे जो हमें दिखते हैं, केवल एक आकाशगंगा, 1 गैलेक्सी इज देयर। लेकिन वास्तव में इस स्पेस के अंदर लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, जो गंगाएं हमें दिखती है आकाश में। तो अगर हम उनकी तुलना करें, हमारी पृथ्वी के साथ कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम उनकी तुलना करें हमारे अपने के साथ, कोई आस्तित्व तो नहीं है। ऐसे ही हम इतना बड़ा ईगो, इतनी बड़ी लेके बैठे। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन सारी चीजों को छोड़कर समय का सदुपयोग करते हुए जो है वो आप आगे बढ़े, समय के महत्व को पहचाने। मेरा आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया है, इस गांव के लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया है, इस स्टाफ के लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया है जिन्होंने तैयारी करवाई इन बच्चों के लिए, इतनी अच्छी तैयारी करवाई कि इतने लंबे समय तक भी हम बैठे तो अभी मन हमारा धरा नहीं। तो एक बार फिर सबका शुक्रिया, और फिर मौका मिला तो आपके इस भावन धरती पर, इस पवित्र धरती पर प्रोग्रामा होगा। आप सब लोगों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।